लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इधर, इधर। आप एयरपोर्ट गए थे ना? हाँ, फ्लाइट मिस हो गई, शाम की फ्लाइट से जाऊंगा। वो गाड़ी में सूट कैसे उठा लो। साहब, साहब। तो यहाँ क्यों आया? एक बहुत जरूरी खबर देना। मुझे कुछ नहीं सुनना। सोनू साहब के बारे में साहब। तू जाता है कि नहीं? दलाल कहीं का? ठीक है सर। Hey, सुन। किसके बारे में बताने आया था? सोमू साहब के बारे में। सोमू नाम किसने बताया तुझे? यही तो बताने आया था सर। क्या बताने आया था? बोल। साहब, दलाल की दलाली का कीमत होता है। बोल, किसने बताया तुझे? आपका पिताजी ने। मिल में सबका सामने सोमू साहब का पोल खोल डाला और वो जब बस्ती में गया साहब तो उसको इतना मारा, इतना मारा। क्या बकता है तू? मां कसम साहब, हम सच बोलता, अपन का आंख से देखे लाए। विकी, किस साले ने सोमू पे हाथ उठाया? बोलो, कौन है वो माइकल लाल जो अपनी मां का दूध अजमाना चाहता है? आजा सामने, कुत्तों कबीलों, आप हाथ उठा के दिखाओ। आओ, एक एक की खाल ना खिंचवा दी तो मेरा नाम भी विक्रम नहीं, ये सारा मोहल्ला जला के राख कर दूंगा, समझे? तुझे यहाँ एक मिनट में नहीं रहने दूंगा। देखिए, शांत हो जाने की, बैठ। मैं यहाँ बैठने नहीं, तुझे ले जाने आया हूँ। चलो चल। मेरा अब जाना बहुत मुश्किल है रे। मतलब तू नहीं समझेगा। देखिए, इन लोगों के साथ कुछ दिन रहता है तो। इन लोगों के साथ रहने की निशानी तो तेरे बदन पर देख रहा हूँ। ये तो मेरे प्रायश्चित के निशान है। फालतू बातें मत कर सोमू, कम ऑन, गेट अप नाउ, कम ऑन विथ मी। मैंने कहा ना देखिए, पिछले जीवन में लौटना मेरे लिए नामुमकिन है। जान सकता हूँ क्यों? विकी, कितनी बार कार में आते जाते तुमने देखा होगा, कचरे में से बच्चे खाना चुनकर खा रहे। क्या हालत होगी देश की, कहकर तूने मुंह घुमा लिया और गाड़ी लेकर निकल पड़ा और थोड़ी देर में सब कुछ भूल गया। अगर किसी दिन गाड़ी से उतर के उन्हें नजदीक से देखने जाता तो शायद दोबारा फिर कभी गाड़ी में ना बैठ सकता। मेरे साथ ऐसा ही हुआ रे। मैं गाड़ी से उतरा और नजदीक से देखने गया और फिर दोबारा वापस गाड़ी में ना बैठ सका। ओ, इसका मतलब ये लोग आज ज्यादा प्यारे हो गए। नहीं रे, इनसे प्यार करके मैं जिंदगी से प्यार करना सीख गया। बस बस, और डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं। साफ साफ बता, मेरे साथ चलेगा या नहीं? विकी, तू नहीं आ सकता मेरे पास। यहां जवाब मिल गया सुमो। थैंक यू वेरी मच। तूने अपनी आंखों से उसे बत्ती जाते देखा था? हाँ हाँ साहब, अपन अपना आंख से देख लिया साहब। वो छोटा सा बच्चा नहीं किया, उधर का लुक बहुत डेंजर होता साहब। ठीक है, क्या हुआ? वो हमारा घरवाली बहुत बीमार होता साहब। साहब, इसे कहाँ रखें? इस टेबल पर रख दो। थैंक यू साहब। एक छोटा सा बात है साहब, जो अपन आपको सब बोला है ना, वो छोटा सबको नहीं मालूम होना मांगता, वरना वो हमारा मर्डर कर देगा साहब। ठीक है, तू जा। थैंक यू साहब। मैं जान सकता हूं कि सोमू को इस तरह एक्सपोज करके? ये जहाज देखो,
इंडोनेशिया से एक ने प्रेजेंट भेजा है, पूरा का पूरा लवंका बना हुआ है। मैं ये पूछने आया हूँ कि बारीक काम है। देखो देखो, जहाज जहाज पर लवंग के ही आदमी, रस्सी, चप्पू। अरे तुम आज गए नहीं? सोमू को इस तरह एक्सपोज करके पिटवाने के पीछे क्या है? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ विकी। मतलब? मतलब एकदम सीधा है। मैं पूछ रहा हूँ, तुम आज की फ्लाइट से बाहर जाने वाले थे ना? जवाब भी एकदम सीधा है। मुझे देख के आप समझ सकते हैं कि मैं नहीं गया। आपके पहले सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं, अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सोमू को इस तरह पिटवाने के पीछे क्या था? इस बात का मुझे बहुत अफसोस है विक्की। मुझे उम्मीद थी मजदूर सोमू को जान से मार डालेंगे। अगर किसी मायके लाल ने सोमू पे हाथ उठाया तो ये मेरा बेडरूम है, चलाना है तो वहां मजदूर में जाओ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, वहां भी तो तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं रही। कुत्ते की तरह तुम दबा के भाग आना पड़ा। एक धोखेबाज के लिए तुम्हारे दिल में इतना दर्द, क्या मैं जान सकता हूं क्यों? एक नमक खा रही, ये मेरा जाती मामला है। जो कुछ भी हुआ मेरे उसके बीच हुआ, अगर वह 30 हाउस में। लेकिन एक बात कह देना चाहता हूं, आज के बाद अगर किसी ने सोमू पे हाथ उठाया तो मैं उसे। विकी, अरे तुम्हें खुशखबरी देना तो भूल ही गया, डॉक्टर ने मुझे ऑफिस जाने की इजाजत दे दी है। कल से तुम्हें दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। सोमू यानी चंदर को कल ही सुबह नोटिस दे दो। चंदर के साथ जो बेइंसाफी हुई है उसका जवाब हमें देना ही पड़ेगा, और वो जवाब है हड़ताल। अगर किसी को इस फैसले के खिलाफ एतराज है तो अपना हाथ उठा ले। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि हड़ताल करने से पहले, हड़ताल के बाद जो कुछ भी हो उसके बारे में सोच लेना चाहिए। कीमतें बढ़ रही हैं, दाम दुगने से चौगने हो रहे हैं, और समझौता न होने पर यह हड़ताल महीनों तक चल सकती है। चंदा बेटा, महीनों की नहीं, हमने भट्टों की भूख देखी है। आज हम कौन से आजूदा है? आज हम पेट खाते, आज भी छत के तले सांस लेते हैं। हाँ, अब भी कौन से जिंदा है जो मरने से डर जाएंगे? हम मरने से नहीं डरते, हम हड़ताल करेंगे। कल से फैक्ट्री बंद। साहब, सोमू जी आए। यहां क्या काम है उसे? साहब, उन्हें मैं क्या बोलूं? अंदर भेजो। विकी, मैंने तेरा नमक खाया, इसलिए तेरी नजरों में नमक हराम जरूर हूं, लेकिन जिसने ये नमक बनाया उसकी नजरों में नमक हराम नहीं हूं विकी। बस बस, ये लेक्चर वहां बस्ती में जाके देना, बहुत तालियां पड़ेंगी। ए, कैसा है तू? अच्छा हूं। ये नहीं पूछेगा मैं कैसा हूं? जरूरत क्या, अच्छा ही हो गया, सैकड़ों दोस्त हो गए, हजारों का लीडर बन गया है, बात करता है तो लोग भगवान की वाणी समझते हैं, और क्या चाहिए तुझे? बाप रे बाप, अभी तक नाराज है? देखो, तेरी नाराजगी का नुस्खा लाया। क्या है ये?
खुद ही देख ले। माँ आई है, लड्डू भेजे हैं तेरे लिए, और मेरे लिए सिर्फ एक चिट्ठी भेजी, सरला ने लिखी, लिखा है विक्की भैया से पूछे बगैर एक भी लड्डू मत खाना। तो मां को इसके बारे में अभी नहीं पता चला? नहीं, अभी तो नहीं। तू अभी तक वैसा का वैसा ही है। अच्छा मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। आप सोमू जी है ना, विक्की के दोस्त? विक्की मेरा दोस्त है, लेकिन आजकल कट्टी चल रही है। अच्छा वो आगे बेचारा बहुत अकेला है। Will you please shut up and get out? तुम्हारे चिल्लाने में रोने की आवाज सुनाई थी विक्की। मेरी कमजोरी का मजाक मत उड़ाओ। कमजोरी? यही तो तुम में सबसे बड़ी खूबी है विक्की। अभी भी तुम्हारे दोस्त की तरह तुम दूसरों को खुद से ज्यादा प्यार कर सकते हो। फर्क सिर्फ ये है कि जो मुझे प्यार करके आगे बढ़ रहे हैं और तुम दुखों में फंसे हो। देखो निशा, अपनी पोछी मत जताओ मुझ पे। मेरा तो जी जा रहा था थोड़ी देर बातें कर लूं उनसे। क्यों, शायरी सुनाई दे रही थी उसकी बातों में या तुम्हारा सोशलिज्म? नहीं विक्की, हम सब तो सिर्फ सांस लेते हैं। वो जिंदा है, इस पाप से निकलकर। पाप? कैसा पाप? विक्की, आज के समाज में ईमानदार होकर कोई भी करोड़पति नहीं हो सकता। पैसे के लिए मान लो हो भी सकता है, तो चारों तरफ ये फैलती हुई गरीबी देखकर उस पैसे को जमा करके रखना भी पाप है। हम ये जानते हुए भी सब कुछ खोने के डर से इस पाप को लेके बैठे हैं। अगर सो मुझे सब कुछ पाने की आशा में इस पाप को छोड़कर एक इंसान की तरह रहने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे क्लास में रहने का एक ही तरीका था उनके पास, जिसे हल्की जुबान में कहते हैं तुम्हारा चमचा बनकर रहना। क्या ये तुम्हें अच्छा लगता विक्की? ये अच्छा ही हुआ कि उन्होंने तुम्हारे बगैर जीना सीख लिया। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ उसने पहले सीख लिया। और भी अच्छा होता अगर मैं उससे पहले सीख लेता। इस एक जगह मैं तुम्हें अपने बहुत करीब महसूस करता हूं, क्योंकि सिर्फ तुम हो जो मेरे दोस्त को समझती हो।